गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे फोर्थ स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन नंबर 4.6 माई टेलीस्कोप इन इंग्लिश. लेट्स सी व्हाट इज देयर. दिस पोएम इज अबाउट टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या है हम वो पढ़ेंगे. ओके. आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप टू लुक इन टू द स्काई टू सी द सोलर सिस्टम एंड द कमेट्स विजिंग बाय. आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स फॉर सैटेलाइट्स एंड स्टार्स. And now I have got a telescope. They don't seem very far. It's brought them very close to me. It's made the stars my friends. Escape, of course, when I make a mistake and look through the wrong end. See, the telescope is a thing that जिससे हम sky में अगर देखेंगे sky की तरफ उसको देखेंगे तो वो सोलार सिस्टम को हमको मतलब हमको सोलार सिस्टम हमारी आँख में दिखेगा. मतलब हमको ऐसा लगेगा कि वो बहुत क्लोज है. अगर हम बिगैर टेलीस्कोप के स्काई में देखते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता, हमको सिर्फ स्काई दिखता है. बट विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप यू कैन सी द सोलार सिस्टम, यू कैन सी द कमेट्स, यू कैन सी द प्लैनेट्स, यू कैन सी द सैटेलाइट्स, यू कैन ऑल्सो सी द स्टार्स. ओके. एंड नाउ एज आई हैव गॉट द टेलीस्कोप दे डोंट सीम वेरी फार, मीन्स वो बहुत दूर का हम उसको देख नहीं सकते हैं. इट्स ब्रॉड वेरी क्लोज टू मी, वो इतनी दूर को की चीज़ों को भी उसने मेरे करीब ले आया है और स्टार्स को क्या कर दिया है, मेरा फ्रेंड बना दिया है. बस तभी ये पॉसिबल नहीं है जब मैं इसको उल्टा करके देखूँ. ओके. दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट इज टोनी ब्रैडमैन. लेट सी, दीज आर द dictation words you have to write in your notebook. You have to write this poem 2 times in your notebook with proper full stop, question mark and capital letters. Be careful while copywriting. Okay. And you have to learn this dictation words also, and you have to write this also. Bye bye.